अब बात करेंगे राजकीय कला महाविद्यालय के नव निर्वाचित छात्र संघ अध्यक्ष के टशन की। तो गाड़ियों के काफिले के साथ छात्र संघ अध्यक्ष मनीष सामरिया ने कॉलेज में एंट्री मारी है। तस्वीरें जरा आप देखिए, लाल बत्ती की गाड़ी में ये काफिला इनका आगे बढ़ा है। फर्स्ट इंडिया ये तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहा है। तस्वीरें जरा देखिए जो अपने आप में कई सवाल लिए हुए, यहाँ तक कि अपनी गाड़ी पर लाल बत्ती भी लगा रखी है। हाड़ौती का सबसे बड़ा कॉलेज है राजकीय महाविद्यालय कोटा और नव निर्वाचित अध्यक्ष का टशन इन तस्वीरों में साफ तौर पर झलक रहा है, साफ तौर पर नजर आ रहा है। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भंवर एस चारण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भंवर, देखिए नव निर्वाचित अध्यक्ष और उनका टशन, ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है। बिल्कुल, आप टशन देखिए आयुषी, गाड़ियों के लंबे चौड़े काफिले के साथ इस वक्त छात्र संघ अध्यक्ष मनीष सामरिया अपने दलबल के साथ, अपने समर्थकों के साथ कॉलेज के अंदर इस वक्त एंट्री मार रहे हैं। और आप देखिए लाल बत्ती आपको साफ तौर पर साथी कैमरामैन आकाशदीप तस्वीरों में दिखा रहे हैं, जिस गाड़ी में खुद छात्र संघ अध्यक्ष मनीष सामरिया सवार है। इस वक्त मनीष सामरिया की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और पीछे उनकी गाड़ी भी दिखा रहे हैं। लाल बत्ती बाकायदा अपनी गाड़ी पर लगा रखी है, हालांकि नीचे जो उन्होंने नेम प्लेट लगा रखी है छात्र संघ अध्यक्ष की, उस पर तो फिर भी कोई ज्यादा आपत्ति नहीं हो सकती है। लेकिन लाल बत्ती जिसे सरकार ने पूरी तरह से प्रतिबंधित कर रखा है, अब मनाही है, जो लाल बत्ती लगाने के लिए ऑथराइज अथॉरिटीज है उनके लिए भी अब लाल बत्ती लगाने की मनाही हो चुकी है। लेकिन छात्र संघ अध्यक्ष किस तरह से अपनी गाड़ी पर इस तरह से अवैध ढंग से लाल बत्ती लगा सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। तो पूरे टशन के साथ नियम कायदों की धज्जियां उड़ाते हुए एक तरह से अपना रौब जमाने की कोशिश करते हुए, और मैं आपको ये भी बताऊं आयुषी कि ये पहला मौका है जब छात्र संघ अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद मनीष सामरिया कॉलेज आए हैं और इस वक्त देखिए उनके जो समर्थक हैं मालाएं पहना करके उनकी यहाँ पर अगवानी कर रहे हैं, उनका वेलकम कर रहे हैं। समर्थक उनके इस वक्त उनके साथ हैं, लेकिन उनका जो अंदाज है ये अंदाज फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है। लाल बत्ती लगा करके और गाड़ियों के काफिले के साथ कॉलेज में एंट्री मारी है। बिल्कुल, यही अंदाज चिंता का विषय भी है कई बार भंवर, क्योंकि देखिए जैसे चुनाव के परिणाम सामने आए, हमने देखा कि कई जो अध्यक्ष हैं वो यूनिवर्सिटीज पहुंचकर प्रोफेसर को धमका रहे हैं, तो उसके बाद अब इस तरीके की टशन की तस्वीरें, कई गंभीर सवाल अपने आप में। देखिए हाड़ौती का आयुषी सबसे बड़ा कॉलेज है राजकीय कला महाविद्यालय कोटा, और यहाँ का छात्र संघ अध्यक्ष कम से कम कोटा संभाग में आप ये कह सकते हैं कि सबसे प्रतिष्ठित छात्र संघ अध्यक्ष का पद माना जाता है। तो उस पद पर निर्वाचित होना जाहिर तौर पर एक बड़ी बात है, लेकिन उसके बाद इस तरह से लिंग दो कमेटी की सिफारिशों की धज्जियां उड़ा करके और कहीं ना कहीं नियम कायदों को ताक पर रख करके और अपना टशन जमाने की कोशिश करना, रौब दिखाने की कोशिश करना। आप एक और तस्वीर देख सकते हैं जिसमें किस तरह से आप देखिए कि कार की खिड़की से निकल करके लहराते हुए और उनके जो समर्थक हैं वो यहाँ पर अभिवादन करने की कोशिश कर रहे हैं छात्रों का। तो ये इस तरह का जो रवैया है, इस तरह की जो सोच है वो कहीं ना कहीं चिंता में डालने वाली है, क्योंकि जब छात्र संघ अध्यक्ष ही इस तरह से नियम कायदों को ताक पर रख करके और इस तरह से अपना रौब और टशन दिखाने के लिए जब नियमों की तजिया उड़ाएंगे तो फिर छात्रों में किस तरह का मैसेज जाएगा। अब यही देखने वाली बात होगी आयुषी की जो पुलिस प्रशासन है वो इस मामले में कितनी त्वरित कार्रवाई करता है, क्योंकि ये तो आप तय मानकर चले कि ये तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर इस तरह से लाइव होने के बाद अब इस पूरे मामले में मामला भी दर्ज होगा और जो कानूनी कार्रवाई है वो भी छात्र संघ अध्यक्ष के खिलाफ अमल में लाई जाएगी। तो ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं हैरान करने वाली, चौंकाने वाली बात है कि किस तरह की सोच हो सकती है एक छात्र नेता की, जो कि पहले ही दिन इस तरह से नियम कायदों की धज्जियां उड़ा करके और पता नहीं अपने समर्थकों में, छात्रों में किस तरह का मैसेज देना चाह रहा है। निश्चित तौर पर भंवर, जब इस तरीके के चुनाव होते हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, तो एक कोशिश रहती है कि जो छात्र नेता है वो राजनीति के गुण सीखे, आने वाले भविष्य में एक बेहतर राजनेता बने, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन भी अपनी कंप्लीट की, एजुकेशन वो ले रहे हैं, तो ऐसे में अच्छी शिक्षा के साथ वो अच्छे स्तर के साथ राजनीति में उतरे, ना कि इस तरीके की तस्वीरों के साथ सामने आए। बिल्कुल, देखिए 2 साल के बाद जाकर के और छात्र संघ चुनाव राजस्थान में हो पाए हैं और जिस भावना के साथ ये चुनाव की पूरी प्रक्रिया और चुनाव का पूरा कार्यक्रम मुख्यमंत्री गहलोत ने घोषित किया था, उन्होंने कहा था कि यहीं से एक नया नेतृत्व मिलता है, देश प्रदेश का नेतृत्व करने वाले जो नेता हैं वो एक तरह से यहीं से निकलते हैं। तो ये मैसेज देने का प्रयास किया गया कि कहीं ना कहीं छात्र संघ चुनाव के मार्फत जो एक नेताओं की नई पौध है वो कहीं ना कहीं परिदृश्य में आए। लेकिन आप देखिए कि किस तरह का यहाँ पर मैसेज देने की छात्र संघ अध्यक्ष कोशिश कर रहे हैं, जब इस तरह से लाल बत्ती में बैठ करके नियमों की धज्जियां उड़ा करके, लाल बत्ती अपने कार पर लगा करके और जो सिफारिशें हैं लिंग दो कमेटी की उसकी धज्जियां उड़ाते हुए और कैंपस के अंदर एंट्री मार रहे हैं। और यही तो गंभीर सवाल है कि देखिए जिस तरीके से गाड़ियों पर लाल बत्ती लगाकर ये छात्र नेता घूम रहे हैं, तो ऐसे में इनकी मनमानी पर लाल बत्ती कब लगेगी?
बिल्कुल यही बड़ा सवाल है आयुषी, और यही देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में अब किस तरह का जो एक्शन है वो पुलिस प्रशासन की तरफ से लिया जाता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया आपको कि ये तो आप तय मानकर चले कि अब इस पूरे अध्यक्ष बनाऊ हाड़ौती का सबसे बड़ा महाविद्यालय, और 8000 रेगुलर छात्रों ने मुझे चुना है कि मैं छात्र संघ अध्यक्ष की गद्दी पर बैठूं, और मेरे छात्रों की इच्छा थी कि मैं अगर मैं महाविद्यालय में घुसूं तो लाल बत्ती के साथ घुसूं। जिन छात्रों ने मुझे प्रतिनिधि करने का दिया, जिन छात्रों ने मुझे माला पहनने का दिया है, तो उन छात्रों की इच्छा थी कि आप महाविद्यालय में आओगे तो लाल बत्ती लगाकर आओगे, तो मैं उन छात्रों की इच्छा को पूरा करने चला हूं। मैं बना छात्रों के लिए हूं, जो छात्रों के लिए अगर मुझे जान भी देनी पड़ी तो मैं छात्रों के लिए जान भी दूंगा। लेकिन ये गैरकानूनी काम है, आपने जानते हुए किया, क्योंकि ये गैरकानूनी है। ये गैर कानूनी मुझे किसी तरह नहीं लगता, मुझे छात्रों ने बोला कि लगा के आनी है और आनी है, अगर ये गैर कानूनी लगता है तो हम लाल बत्ती भी हटाएंगे, हम लाल बत्ती नहीं लगाएंगे, अगर कानून के खिलाफ हम कभी नहीं जाएंगे, कानून के खिलाफ लाल बत्ती है तो हम लाल बत्ती को भी हटाएंगे। तो मतलब आपको ये पता नहीं था कि लाल बत्ती कानून के खिलाफ है, सिर्फ मंत्री को अलाउड है? ये मंत्री को अलाव, मंत्री प्रतिनिधि होता है, मैं भी मेरे छात्रों का प्रतिनिधि हूँ, अगर मंत्री को अलाव है तो हम छात्र संघ अध्यक्ष को भी अलाव होना चाहिए। आप चुने हुए नेता है तो विधायकों को भी अलाउड होनी चाहिए, सबको, जितने जो जनता प्रतिनिधि है उनके लगती है, तो छात्र प्रतिनिधि की भी लाल बत्ती लगनी चाहिए, नहीं तो सबके लाल बत्ती हटनी चाहिए, सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। मुझे भी अगर मैं अकेला आके एक छात्र नहीं चुना, मुझे 8000 छात्रों ने वोट देकर मुझे जिताया और छात्र संघ अध्यक्ष बनाया, तो छात्र संघ अध्यक्ष की गलती। जैसी जनता चाहे, अगर हमारे छात्रों ने, अगर छात्र संघ अध्यक्ष बनने के बाद में मनीष सामरिया जैसे डिमांड की है कि पहली बार जब वो कॉलेज में एंट्री करते हैं तो लाल बत्ती के साथ करें, तो प्रतिनिधि होने के नाते इन्होंने छात्रों का सम्मान रखने के लिए ये सब कुछ किया है। भवर, देखिए जिस तरीके से ये प्रतिक्रिया सामने आई है, कई गंभीर सवाल अपने आप में और पैदा हो गए, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा इन्होंने यहाँ से खड़ा कर दिया है कि अगर जनप्रतिनिधियों को इस तरीके से लाल बत्ती लगाने की परमिशन मिलती है, कानूनन हक उन्हें, तो जब मैं छात्र नेता बना हूं, मैं अध्यक्ष बना हूं, तो मुझे भी इस तरीके की परमिशन अपने आप छात्रों ने दी है। देखिए, लाल बत्ती अपने आप में वीआईपी कल्चर का प्रतीक है और देश में वीआईपी कल्चर को धीरे धीरे मिनिमाइज किया जा रहा है। लाल बत्ती भी अब बहुत ही लिमिटेड की जा चुकी है, लाल बत्ती लगाने को लेकर भी बहुत सारे नियम कायदे और बहुत सारी पाबंदियां आ चुकी है। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं लाल बत्ती एक तरह का धौंस का प्रतीक होती है, रुतबे का प्रतीक होती है, और इसीलिए देखिए छात्र संघ अध्यक्ष जिनके लिए कहीं से कहीं तक कोई नियम कायदों में नहीं आता है कि वो अपनी कार पर लाल बत्ती लगा सकते हैं, क्योंकि छात्र संघ अध्यक्ष को कोई सरकारी गाड़ी तो मिलती नहीं है, अपनी ही प्राइवेट कार पर छात्र संघ अध्यक्ष की नेम प्लेट लगाना और फिर उसके ऊपर लाल बत्ती लगा देना, तो ये साफ तौर पर नियम कायदों की खुले तौर पर अवहेलना है, उनकी धज्जियां उड़ाना है। और इसके बाद ये कहना कि चूंकि मुझे जिन छात्रों ने निर्वाचित किया, जिन समर्थकों ने मुझे वोट देकर के छात्र संघ अध्यक्ष बनाया, उनकी इच्छा थी कि मैं लाल बत्ती लगा करके आऊं, और चूंकि जनप्रतिनिधि, वोटर जनप्रतिनिधि चुनते हैं, मुझे छात्र प्रतिनिधियों ने चुना है, तो मैं भी नेता हूं, और इसीलिए मैंने मेरी प्रतिनिधियों की और मेरे समर्थकों की इच्छा पर, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए, उनकी बात रखने के लिए अपनी कार पर लाल बत्ती लगा दी। तो ये तर्क कहीं ना कहीं हास्यास्पद तर्क है, गले से उतरने वाला तर्क नहीं है। हालांकि साथ में उन्होंने ये जोड़ना भी वो भूले नहीं है आयुषी, अगर आपने उनकी बाइट सुनी हो गौर से, कि अगर गलत है तो हम लाल बत्ती हटा देंगे, जब पहले से आपको पता है कि लाल बत्ती लगाना गलत है तो आपको हटाने की बजाय उसको लगाना ही नहीं चाहिए था अपनी कार पर। लेकिन देखिए, बहरहाल इस पूरे मामले में छात्र नेताओं का ये जो रवैया है, ये जो एटीट्यूड है उनका, और नियम कायदों की परवाह नहीं करने का जो उनकी एक सोच है, वो कहीं ना कहीं एक चिंताजनक यहाँ पर माहौल बनाती है। कैंपस के अंदर किस तरह का मैसेज इससे जाता है, ये सोचने वाली बात है। और इस पूरे मामले में अब देखने वाली बात यही है आयुषी, कि किस तरह की कानूनी कार्रवाई छात्र संघ अध्यक्ष के खिलाफ। बिल्कुल भवर, और व्यक्तिगत तौर पर मेरा भी मानना है कि अगर कोई अध्यक्ष बना है, कोई छात्र प्रतिनिधि है, तो उसका पहला दायित्व ये होना चाहिए कि छात्रों को सही दिशा में ले जाया जाए। अगर वो कोई गलत बात भी उठा रहे हैं, कोई गलत मांग भी उठा रहे हैं, तो उनको एक सही डायरेक्शन दिया जाए, ना कि इस तरीके की हरकतें की जाए उनके कहने पर। बिल्कुल, देखिए कहीं से कहीं तक किसी तरह से उनकी इस हरकत को, और जिस तरह से लाल बत्ती लगा करके उन्होंने टशन दिखा करके एंट्री मारी, उनके इस तरीके को कहीं से कहीं तक जायज ठहराया नहीं जा सकता है। और जैसा कि मैंने कहा योशी आपको, कि अब इस पूरे मामले में देखने वाली बात यही होगी कि आगे के लिए नजीर बने, ऐसा सख्त एक्शन क्या पुलिस प्रशासन ले पाता है, और क्या छात्र संघ अध्यक्ष मनीष सामरिया, जो कि राजकीय महाविद्यालय कोटा के छात्र संघ अध्यक्ष के, क्या उनको ये रियलाइज करवाया जाएगा कि उन्होंने जो किया है वो गैरकानूनी है और इसकी इजाजत उन्हें कतई नहीं। बिल्कुल भवर, और इस तरीके की घटनाओं पर अंकुश लगना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि यहां से फिर ये राजनेता अच्छे नहीं निकल पाएंगे, या कहें कि राजनीति के लिए जो एक सोच थी कि इस तरीके के चुनाव के माध्यम से राजनीति के गुण सीखेंगे, ज्यादा से ज्यादा राजनीति के गुण सीखने के बजाय दादागिरी की एक फौज तैयार हो जाएगी।
बिल्कुल, देखिए नेतृत्व की ये करुणा ही होती है। आज का जो छात्र नेता है कल जाकर के वो जनप्रतिनिधि बनता है, विधायक बनता है, सांसद बनता है, विधानसभा में पहुंचता है, लोकसभा में पहुंचता है। और आज की राजस्थान की राजनीति में ऐसे दर्जनों नेता है जो कि छात्र राजनीति से निकले हैं और इसके बाद आगे जाकर के उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया है अपने इलाके को, अपने प्रदेश को, अपने देश को। ओम बिरला की बात कर लें तो छात्र नेता रहे हैं, शांति धारीवाल छात्र नेता रहे हैं, मैं अगर कोटा की आपको बात बताने की कोशिश करूं, प्रहलाद गुंजर छात्र नेता रहे हैं, भवानी सिंह राजावत छात्र राजनीति से निकले हुए नेता हैं। तो ऐसे नेताओं की एक बड़ी लंबी फहरिस्त है। संदीप शर्मा जो कि कोटा दक्षिण से विधायक हैं वो छात्र नेता रहे, छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं। शिवकांत नंदवाना जिन्होंने चुनाव लड़ा था कोटा दक्षिण से कांग्रेस का, वो छात्र नेता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो स्टेप है, ये जो सीढ़ी है, ये आपको राजनीति में आगे ले जाने के लिए रास्ता खोलती है, एक रास्ता बनाती है, एक आपको प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। लेकिन उसका यूज करने के बजाय मिसयूज करना, गलत मैसेज देना, नियम कायदों को तोड़ करके अपना टशन दिखाना, अपना रौब जाड़ने की कोशिश करना, अपना इंप्रेशन दिखाने के लिए नियम कायदों की परवाह नहीं करना, ये एटीट्यूड आपके जो समर्थक और आपके जो फॉलोअर्स हैं जिन्होंने आपको वोट दिया है उनके भीतर कहीं ना कहीं गलत मैसेज छोड़ता है, गलत संदेश छोड़ता है और हर किसी को उकसाता है इस बात के लिए कि अगर आप टशन दिखाना है आपको तो नियम कायदों की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। जो एक सेट जो फॉर्मूला होता है नियम कायदों का, उसकी ज्यादा परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। तो किसी भी तरह से आप आयुषी इसको उचित और न्यायोचित नहीं ठहरा सकते हैं। और ये जो आज मनीष सामरिया ने किया है, अवैध रूप से लाल बत्ती लगाकर के कॉलेज में एंट्री मारी है, ये हर स्तर से निंदनीय है और इसकी किसी भी लेवल पर जाकर के इसका समर्थन नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल भंवर, और जिस तरीके से मनीष सामरिया ने कहा कि अगर ये कानून के विरुद्ध है तो लाल बत्ती हम हटा भी देंगे, मान लीजिए कि अब वो ये लाल बत्ती हटा भी देते पर फिर भी कुछ ना कुछ एक्शन होना तो जरूरी है ताकि जो आने वाली जो पीढ़ी है, जो नए छात्र नेता है, वो कुछ सीख इस पूरी घटना से ले। देखिए, अपने कार पर अवैध रूप से लाल बत्ती लगा लेना भर ही अपने आप में एक तरह का क्रिमिनल एक्ट है, ये एक तरह की गैर कानूनी काम आपने किया है। तो अब आप अगर हटा भी लेंगे तो आपने इसको लगाया है, लगा करके आपने इसकी नुमाइश की है, बाकायदा उसका प्रदर्शन किया है, उसके वीडियोस बन चुके हैं, फोटोज हो चुके हैं, आपने उसका काफी देर तक अपनी कार को खड़ी रख करके वहां जुलूस के अंदाज में आप कॉलेज गेट से लेकर के और कॉलेज कैंपस के अंदर तक आपने एंट्री मारी है, वो सब कुछ विजुअलाइज हो चुका है। अब आप अगर इसको हटा भी लेंगे तो आपने जो लगाने का क्राइम किया है उसके अंतर्गत तो आपको बुक किया ही जाएगा। तो इस पूरे मामले में कानूनी कार्रवाई तो बनती ही है, लेकिन कितनी सख्त कानूनी कार्रवाई होती है, कितनी जल्दी इसमें लीगल एक्शन छात्र संघ अध्यक्ष के खिलाफ लिया जाता है, यही देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, और त्वरित एक्शन हो यही जरूरी हो जाता है इस तरीके की घटनाएं सामने आने के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया भंवर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।